फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल IVME में। मैं आज बात करने जा रहा हूं, मोबाइल टावर के ऊपर लाल रंग की लाइट क्यों जलती है। आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल टावर के ऊपर एक लाल रंग की लाइट हमेशा जलती रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है ये लाइट क्यों लगी होती है और ये लाइट क्यों जलती रहती है? तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कई ऐसे पावर प्लांट्स और कारखाने हैं जिनकी ऊंची चिमनियों पर और मोबाइल टावर के ऊपर लाल बत्ती जलती रहती है। दरअसल इसे एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट कहते हैं। इस लाइट को इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लेन और हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगर किसी इमारत, चिमनी, मोबाइल टावर की ऊंचाई 45 मीटर से अधिक होती है तो इसमें लाल लाइट लगाने का निर्देश प्राप्त है, क्योंकि बहुत पहले जब ऊंची इमारत, चिमनियों और मोबाइल टावरों पर ये लाइट नहीं होते थे, तब हेलीकॉप्टर रात में जब उड़ान भरते थे तो अक्सर किसी न किसी मोबाइल टावर से वे टकरा जाते थे। और सर्दियों के मौसम में ये घटना ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि कोहरे के कारण मोबाइल टावरों और ऊंची इमारतों या चिमनियों को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता था पायलट्स के लिए। अब यह बात उठती है कि लाल रंग की ही लाइट का प्रयोग क्यों किया गया। किसी और रंग की तुलना में लाल रंग की लाइट का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है और यह काफी दूरी से देखा जा सकता है, जिसके कारण पायलट्स को दूर से ही दिख जाएगा कि आगे मोबाइल टावर या कोई ऊंची इमारत या चिमनी है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।